जमीन घोटाले के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उन्हें आखिरी नोटिस दिया है। इसके साथ ही केंद्रीय एजेंसी ने सोरेन को मन मुताबिक जगह और समय बताने को भी कहा है ताकि ईडी के अधिकारी जाकर उनसे पूछताछ कर सके। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे गए समन में कहा है कि जमीन घोटाले मामले में उनका बयान दर्ज करना बेहद जरूरी है, इसलिए ईडी उनकी मनमर्जी के मुताबिक बयान रिकॉर्ड करने के लिए तैयार है। इस मामले में ईडी उन्हें 6 बार पहले भी नोटिस जारी कर चुकी है। वहीं आपको बता दें कि ईडी ने सीएम हेमंत को भेजे गए नोटिस में ये लिखा है कि इस पत्र को समन के रूप में ही देखा जाएगा। केंद्रीय एजेंसी ने कहा है कि मुख्यमंत्री सोरेन जमीन घोटाले मामले में अगले 2 दिनों के भीतर अपना बयान रिकॉर्ड कराए। ईडी ने पत्र में यह भी लिखा है कि इस पत्र को समन के रूप में ही समझा जाएगा। पत्र में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बड़गाई जमीन घोटाला मामले में पूछताछ करनी है। इस मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री का बयान दर्ज करना बेहद आवश्यक है। बयान दर्ज नहीं होने की वजह से जांच प्रभावित है। ऐसे में मुख्यमंत्री को यह आखिरी मौका दिया जाता है कि वह कोई ऐसी जगह तय करे जो ईडी और उनके दोनों के लिए ही उपयुक्त हो, वहीं पर मुख्यमंत्री का बयान दर्ज किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जमीन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के 6 समन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दरकिनार कर चुके हैं। बार बार नोटिस के बावजूद वह एजेंसी के दफ्तर नहीं पहुंचे, जिसके बाद ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7वां पत्र भेजा है। यह पत्र शुक्रवार 29 दिसंबर को सीएम के पास भेजा गया था। अब देखने वाली बात है कि सोरेन इसका जवाब देते हैं या नहीं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।